सर एक बात बताइए, आज देश को 71 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, और बाबा साहब का सपने को आप कहाँ तक देखते हैं कि वो साकार हो गए? जय भीम। सपना साकार होना जी और साकार करना जी, इसमें थोड़ा सा फ़र्क चल रहा है जी। बाबा साहब ने सपना देखा, जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने बहुत कोशिश की, संविधान दिया, संविधान के तहत हमें अधिकार दिए, इस देश की सरकार को मजबूर किया कि वो जो लोग इस देश की सत्ता से भी वंचित थे, देश की जो जातियों में इतना विरोधाभास था कि छोटी जाति के लोगों को इंसान का दर्जा भी नहीं मिलता था, उनको इंसान का दर्जा दिलाया। इस देश की महिलाएं जो कि जानवर से बुरी स्थिति में थी, उनको भी बराबरी का हक दिया, सबको बराबरी का हक दे करके एक वोट का अधिकार दिया। इस देश का मजदूर वर्ग जो 14-14 घंटे नौकरी करता था, उसके बावजूद भी उनको वेतन के नाम पर बहुत छोटा सा एकांश दिया जाता था, उन्होंने उसकी व्यवस्था की कि उनको 8 घंटे केवल नौकरी करनी पड़े, उनको सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिले और उनको प्रॉपर ढंग से नौकरी की जो एवज में उनको तनख्वाह मिले। ये इसके साथ साथ उन्होंने जो संविधान दिया, शायद इस देश का संविधान सर्वोत्तम संविधान है पूरी दुनिया के अंदर, जिसको आज तक कोई भी किसी प्रकार से उसमें खामियां नहीं निकाल पाए हैं। अन्यथा आप देख सकते हैं आपके अड़ोसी पड़ोसी देशों में, दूसरे जो लोकतांत्रिक देश हम कहते हैं, वहाँ पर कितनी उथल पुथल होती है, लेकिन इस देश की संविधान की बदौलत ही आज ये देश इतनी तरक्की कर पाया है। और इस देश की तरक्की का मतलब है इस देश का आम नागरिक भी तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ विरोधाभास है, क्योंकि जो शासन बोलता है उसको लागू करना इस देश के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका काम है, लेकिन वो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है।